सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में स्वागत है। मैं नाथु सिंह, आज हम कक्षा पंचमी की जो अंग्रेजी वर्कबुक इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसका आज चौथा लेसन चौथा करने जा रहे हैं। इसका नाम है नंबर। क्या है नंबर? इससे पहले हम पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा रोमन लैंग्वेज, तीसरा वर्ड और चौथा नंबर। वर्ड में हमने चार प्रकार के वर्ड पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। उस उन चारों में फिर हमने एक ली थी नाउन। नाउन की परिभाषा पढ़ी, उसके प्रकार, नाउन के दो प्रकार ही पढ़े, दो भागों में बांट सकते हैं नाउन को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल ऐसी संख्या जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिसे नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जैसे दूध है, पानी है, सोना, चांदी, लोहा, ये अनकाउंटेबल है। दूध को गिन नहीं सकते, पानी को गिन नहीं सकते, रेत को गिन नहीं सकते, उन्हें देखो व्यक्तिवाची संख्या राम है तो उसको भी हमने अनकाउंटेबल में रखा है। अब यहां बात करें नंबर की तो मैं क्लियर कर दूं आपको। नाउन से हम जब नाउन पढ़ेंगे तो सारा खेल नाउन का ही है। मुख्य जो भाग है ग्रामर का वो नाउन है, नाउन पे सारा टिका हुआ मामला। नाउन करते हैं तो नाउन से तीन चीजें और नाउन उसके अंदर आती है। नाउन में नंबर आता है, नाउन में जेंडर आता है, नाउन में आर्टिकल आता है। आज हमने नाउन की जो परिभाषा पढ़ी उस दिन उस वीडियो में, उसके बाद नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। आज हम नाउन का ये पहला चैप्टर है नंबर। ये तो नाउन के अंदर ही आता है नंबर। नाउन यानी संज्ञा, नंबर यानी वचन। जब हम नाउन की यूज करते हैं तो तीन चीजें क्लियर होती है, बताइए ना। नाउन क्लियर करते हैं नंबर, जेंडर और आर्टिकल। आज बारी है नंबर की। सबसे पहले आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर इस शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी व्याकरण का जो लेसन चौथा है, कक्षा पंचमी का, इसका कक्षा पंचमी पांचवी कक्षा के भैया बहनों, काइंड लेसन चौथा नाम है नंबर। नंबर यानी वचन। क्या होता है वचन? वचन हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसी प्रकार अंग्रेजी में वचन है तो वो काइंड ऑफ नंबर, वचन के प्रकार। दो प्रकार है वचन के, कितने प्रकार है? दो प्रकार है। कौन कौन से है? सिंगुलर नंबर, एक वचन यानी एक, ओनली वन, एक से ज्यादा नहीं, ओनली वन, एक। दूसरा है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, मोर देन वन, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्या, एक जो एक से अधिक है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, निन्यानवे, सौ, लाख, करोड़, अनंत, ठेठ अनंत, वो बहुवचन है। सिंगुलर नाम का मतलब होता है एक, ओनली वन चीज, ओनली एक। और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। एक से अधिक कितना है संख्या में, गिनने में वगैरह। उसके बाद एक बड़ा नियम ध्यान रखो आप, जो नाउन से संबंधित है। सभी नाउन सिंगुलर तो होते ही है, नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये दोनों सिंगुलर तो होते ही है, किंतु जो नाउन काउंटेबल मतलब गिनने योग्य है, उनकी संख्या बता सकते हैं कि ये दो है, तीन है, चार है, पांच है, हो उसको प्लूरल बनाया जाता है। उसी को बड़ा नियम ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन को ही नंबर में परिवर्तन कर सकते हैं या उसका नंबर चेंज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का नहीं। अनकाउंटेबल का नहीं कैसे? जैसे वाटर, तो वाटर का बहुवचन क्या बनाएंगे अपन? वाटर्स। मिल्क का मिल्क्स बनाएंगे क्या? नहीं बनेगा। राम का राम्स नहीं बनेगा। ओनली काउंटेबल नाउन, एक वचन, वो भी गिनने योग्य, जो गिनने योग्य है उसका ही बहुवचन बनेगा, उसका ही एक वचन बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा। इसका एक पहला नियम है, हाउ टू मेक प्लूरल, हम बहुवचन कैसे बनाएंगे उसका पढ़ेंगे। नियम पहला, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स एस डबल एस हो तो ई एस जोड़ने पर
प्लूरल बन जाता या जाती है। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या होना चाहिए? एसएस होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, ओ एक्स एस डबल एस, ये होना चाहिए अंत में, तो ही बहुवचन बनेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, सिंगुलर है ब्रश, बी आर यू एस एच एस एस आई, तो इसकी एस जुड़ गया, ब्रशेज। मैच सी एच आई मैचेज, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। बफेलो ई ओ आया, बफेलोज एस जुड़ गया। फॉक्स एक्स आया, फॉक्सेज एस जुड़ गया। बस एस है तो बसेज, ग्लास डबल एस ग्लासेज, एक वचन से बहुवचन। ध्यान रखना प्यारे भैया बहनों, प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, एक वचन से बहुवचन बनाइए या बहुवचन से एक वचन बनाइए या वचन बदलिए। वचन बदलने में कुछ भी हो सकता है, वचन बदलने में कह सकते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाइए, बहुवचन से एक वचन बनाइए, वो बड़ा ध्यान रखना है। जब परीक्षा पूछ लिया बफेलोज तो उसका नंबर चेंज क्या होगा? उल्टा इसका, एक वचन हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा, बस उतना ध्यान रखना है। ये तो पहला नियम था, अब हम बात करते हैं इसके आगे, ये ई एस वाला नियम था। कौन सा नियम था? ई एस वाला, अंत में ई एस जोड़ना, वो कैसे जोड़ते हैं वो नियम है ये। ई एस वाला नियम समझ आ गया होगा सभी को, बहुत सरल नियम है। अंत में क्या होना चाहिए? एस एस सी एच ओ एक्स एस डबल एस ओ, तो ई एस जोड़ने पर वो बहुत बढ़ जाता है। अब आगे बात करते हैं दूसरे नियम की। पहला नियम ई एस जोड़ने पर बहुवचन बनना, अब दूसरा नियम, रूल सेकंड, दूसरा नियम, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ क्या होना चाहिए, एफ या एफ ई हो, तो इन्हें हटाकर वी ई एस, वी ई एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, या तो एफ होना चाहिए या एफ ई होना चाहिए, यदि दो है तो उन्हें वहां से हटाकर उनकी जगह वी ई एस जोड़ने पर वो संज्ञा बहुवचन बन जाएगी, वो नाउन बहुवचन की बन जाएगी, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगी। जैसे देखिए, सिंगुलर प्लूरल, थीफ, टी एस आई ई एफ, अंत में क्या है, एफ है, एफ को क्या करना है, हटाना है, तो क्या वी एस जोड़ना है, तो टी एच आई ई, टी एच आई ई सेम रहेगा, एफ हटके वी एस, थीव्स, थीव्स बहुत सर चोर, के एन आई एफ ई नाइफ, एफ ई ए तो हट जाएगा, वी एस जोड़ेगा, के एन आई वी ई एस नाइफ, एल ई ए एफ, एफ है हट जाएगा, एल ई ए वी ई एस लीव्स, ऐसे बढ़ेगा। रूल तीसरा, रूल दूसरा, रूल तीसरा, पहला नियम ई एस का, दूसरा एफ और एफ ई का, वी एस जोड़ने का। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम ई एस जोड़ना, दूसरा वी ई एस जोड़ना, क्या हटा के, एफ और एफ ई हटा के। तीसरा नियम है, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है, क्या होना चाहिए, वाई हो, तथा वाई से पहले कोई लेटर वोवेल नहीं हो, अंत में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और वाई से पहले वाला लेटर स्वर नहीं होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है, और वोवेल है तो वाई के बाद एस जोड़ना पड़ेगा। देखो ये सुनेंगे, तीसरा, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई वोवेल है तो वाई नहीं हटेगा, तो वाई नहीं हटेगा, यदि वोवेल नहीं है, वोवेल के अलावा कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा, और वाई की जगह क्या जुड़ेगा, आई ई एस। उदाहरण देखो, उदाहरण सब पता चल जाएगा। पहला सिंगुलर प्लूरल, ए बेबी, ये वाई है, अंत में क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या, बी है, बी वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई हटेगा, तो ये हटके आई एस जोड़ दिया। बेबीज, कंट्री, वाई से पहले आर है, आर वोवेल नहीं है कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये वाई हटेगा, और ये हटते कंट्रीज। यहां देखो, के ई वाई, वाई से पहले क्या है, वोवेल है, इसलिए वाई नहीं हटेगा, सीधा एस जुड़ गया अंत में, और यहां डी में बॉय, वाई से पहले ओ है, ओ क्या है, वोवेल है, इसलिए वाई है पड़ा रहेगा, सीधा एस जुड़ेगा। ठीक है, अब आगे चौथा नियम पढ़ते हैं, आगे रूल चौथा, नियम चौथा, तीन नियम पढ़े, पहला ई एस
लगाकर बहुवचन बनाना, दूसरा बी ई एस लगाकर बहुवचन बनाना, और तीसरा आई ई एस लगाकर बहुवचन बनाना। पहला ई एस कैसे लगेगा पता ही है, इसी काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस एस सी एच ओ एक्स एच या डबल एस हो तो उसके अंत में ई एस लगाते हैं। दूसरा था वी ई एस कैसे लगाकर बहुवचन बनाना, तो किसी भी काउंटेबल नाउन के अंत में या एफ है या एफ ई है तो वो हट जाएगा और वहां वी ई एस जुड़ जाएगा। तीसरा था आई ई एस लगाकर बहुवचन बनाना, तो वो कैसे लगता, वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में यदि वाई है और वाई से पहले कोई वोवेल नहीं है कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा और आई ई जुड़ जाएगा। यदि वाई से पहले कोई वोवेल है तो वाई नहीं हटेगा, सीधा एस जुड़ जाएगा। अब चौथे नियम की ओर बढ़ रहे हैं। इन तीन नियमों के अलावा जो अंत में से सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनके अंत में एस जोड़ने पर वो बहुवचन बन जाएगा। यदि वो तीनों नियम लागू नहीं हो रहे हैं तो एस का नियम लागू हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम्पल देखिए सिंगुलर सिंगुलर बनाना, स्टार स्टार्स, हंटर हंटर्स, डॉग डॉग्स, अम्ब्रेला अम्ब्रेलास, स्टार तारा स्टार्स, बहुत सारे तारे आकाश में, हंटर शिकारी हंटर्स शिकारी बहुत सारे शिकारी, डॉग कुत्ता डॉग्स कुत्ते, अम्ब्रेला छाता एक छाता, अम्ब्रेलास बहुत सारे छाते। अब इन चार नियमों के अलावा जो बचते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में वो है अपवाद। क्या है अपवाद? अपवाद से मतलब तात्पर्य है कि ना तो उनमें ई एस जुड़ेगा, जैसे लग रहा है हाँ यहाँ ई एस जुड़ना चाहिए पर वहां ई एस नहीं जुड़ रहा है, क्या हाँ यहाँ वी एस लगना चाहिए वी एस लगना है पर वहां वी एस नहीं लगता, क्या हाँ यहाँ वाई आया वाई से पहले कौन सुना हट जाएगा यहाँ पर आई एस लगेगा पर वहां आई एस भी नहीं लगता और ना वहां एस लगता है, वो अपवाद है। वो किस प्रकार है देखेंगे समझ जाएंगे। और बात है वो की करे एक्सेप्शन अपवाद मैन, यहाँ लग रहा क्या एस जुड़ेगा पर यहाँ एस नहीं जुड़ता है बीच में ई लगता है एक स्थान पर ई लगता है मैन बहुवचन एक आदमी बहुत सारे आदमी। ऑक्स क्या लग रहा है कि अंत में एक्स है तो यहाँ ई एस जोड़ देते, क्या जोड़ देते ई एस नहीं नियम लागू नहीं हो रहा है यहाँ ई एन जुड़ रहा है ऑक्सन बहुत सारे बैल बहुत सारे बैल। माउस क्या लग रहा है ई एस जुड़ेगा नहीं जुड़ रहा है यहाँ पूरी स्पेलिंग चेंज हो रही है एम आई सी माइस माउस है चूहा एक चूहा माइस है माइस है बहुत सारे चूहे। फुट क्या लग रहा है एस जुड़ेगा क्या जुड़ेगा एस पर नहीं जुड़ रहा है यहाँ बीच में स्वर चेंज हो रहा है यहाँ डब्लू के स्थान पर डब्ल्यू हो गया। वुमेन यहाँ पर एस का नियम लग रहा है यहाँ एस का नियम नहीं लग रहा है अपवाद ही ई जुड़ रहा है यहाँ ए के स्थान पर ई लग गया। चाइल्ड क्या लग रहा है एस लगेगा चाइल्ड गलत चिल्ड्रन होता है आर ई में लगेगा पीछे। टूथ सेम स्वर चेंज हो रहे बीच में डबल ओ के स्थान पर डबल ई। देखो रूफ एफ है अब क्या लगेगा आगे रूफ्स हो जाएगा वी ई एस लगेगा पर यहाँ नहीं लग रहा है यहाँ सीधा एस लग रहा है। चीफ ये भी एफ है क्या लग रहा है जैसे ये वी एस हो जाएगा नहीं हो रहा है चीफ्स हो रहा है एस हो रहा है ये अपवाद है। इन्हें नियम पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम चौथा और ये अपवाद ये सारे कॉपी में करने हैं पीडीएफ देख सकते हो पीडीएफ नहीं देख सकते हो तो बीच में वीडियो को रोक दो क्लियर नहीं दिख रहा पीडीएफ तो यहाँ पर रोक दो बीच में रोक दिया तो देख कर कर सकते हो। अब आगे इनके प्रश्न उत्तर बढ़ते हैं एक्सरसाइज चार करने जा रहे हैं काम सब करना ये सारा लेसन चौथा नंबर से लगा ये यहाँ से लगाकर ठेड यहाँ तक पूरा कॉपी में करना है पूरा। अभी हम एक्सरसाइज चार की ओर बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज चार प्रश्नोत्तर तीन प्रश्न है ए बी सी। ए क्या कह रहा है मेक दिस वर्ड्स प्लूरल एंड राइट हिंदी मीनिंग इन शब्दों के बहुवचन बनाओ। ये जो एक दो तीन चार पांच शब्द है इनको बहुवचन बनाइए और इनका हिंदी अर्थ भी लिखिए। जैसे पहला टॉर्च अंत में सी एच है ई एस का नियम लगेगा टॉर्चेस टॉर्चेस। मसाले मसाले वो मसाले थे ना वो जिसमें आग जलती रहती है मसाले मसाले खाने खाने वाले मसाले नहीं मसाल टॉर्च बैटरी मसाले। दूसरा सिटी वाई और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है वाई हट जाएगा सी आई टी आई ई एस आई
एस सिटीज, ये भी शहर, सिटी यानी एक शहर, सिटीज बहुत सारे शहर, एक से अधिक। अब एक से अधिक कितने वो बताने हैं, यहां लिखा हुआ नहीं है टू सिटीज, थ्री सिटीज, फोर सिटीज, शहर अंदाजा नहीं कितने, एक से अधिक ही इतना पक्का है। डे यहां वाई है, और वाई से पहले क्या है वोवेल है, इसलिए वाई नहीं हटेगा, सीधा एस जुड़ेगा, डी ए वाई एस डेज, इसका मतलब क्या होता है दिन होता है। दिन कितने, ये डे यानी एक दिन, और ये डे यानी दिन, बहुत सारे दिन, तो पता नहीं कितने दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पता नहीं, पर बहुत सारे, एक से अधिक। वाइफ अंत में एफ ई है, क्या है एफ ई है, क्या जुड़ेगा डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ कौन सा नहीं लगा दूसरा, एफ और एफ ई बटाकर वी ई है जुड़ने पर, वाइफ पत्नियां क्या होती है, पत्नियां पत्नियां पत्नियां, और लास्ट में अपवाद वाला चिल्ड्रन, एस नहीं चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन बच्चे, एक से अधिक बच्चे, ये चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। आगे बी की ओर बढ़ते हैं, तो बी क्या कह रहा है, मेक सिंगुलर एंड राइट हिंदी मीनिंग, ए में हमने एक वचन से बहुवचन बनाया, सिंगुलर से प्लूरल बनाया, पर बट इसमें है मेक सिंगुलर, ये बहुवचन है सारे, क्या है प्लूरल है सारे, इनको सिंगुलर में बनाना है, कैसे काउज, देखो अंत में वी ई जुड़ा हुआ है, याद करो नियम एफ और एफ ई वाला, काफ सी ए एल एफ काफ यानी बछड़ा, एक बछड़ा, यहां पर बहुत सारे बछड़े थे, काउज काउज बछड़े थे, काफ काफ बछड़ा। ट्रीज देखो ए वाई से पहले क्या है ए, इसलिए एस लगा, यहां एस हटाना है, टी आर ए वाई ट्रे यानी एक ट्रे, एक ट्रे होती ना उसे गिलास के ले जाते ना वो ट्रे। तीसरा है आर्मीज, क्या आर्मीज, आई ई एस का नियम है, किसका नियम है आई ई एस का नियम है, तो पता है आर्मी की क्या स्पेलिंग है ए आर एम वाई, वाई से पहले एम था इसलिए वाई हट गया और आई ई एस जुड़ गया, आर्मी यानी सेना, एक सेना, आर्मीज यानी बहुत सारी सेना है। टीथ डबल वाला अपवाद वाला नियम, टूथ टूथ ये भी क्या हो गया दांत हो गया, और माइस एक अपवाद वाला, माउस चूहा, समझ गया ना, काउ का काल, ट्रेस का ट्रे, आर्मी का आर्मी, टीथ का टूथ, और माइस का माउस, बहुवचन से एक वचन बनाया। मैंने पहले ही कहा था प्रश्न इसी प्रकार से आ सकता है कि एक वचन से बहुवचन बनाइए, बहुवचन से एक वचन बनाइए, तो अपन को दोनों तरफ से तैयार रहना है, जहां एक वचन से बहुवचन बनाना आता है और बहुवचन से एक वचन भी हमको बनाना आता है। पढ़ना नियम, पहला नियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार नियम है, पांचवा अपवाद है, बस ज्यादा बार आने वाला कुछ नहीं है। अब आगे सी की ओर बढ़ते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है सी, क्या है सी, सी क्या कह रही है, चेंज द नंबर, वचन बदलिए। इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, नंबर बदलिए, जिनमें बहुवचन है उनको एक वचन बनाना है और जो एक वचन है उनको बहुवचन बनाना है, सिंपल सा है। जैसे मेरा कॉपीज आई ई एस जुड़ा हुआ है, वाई वाला नियम, एक सिंगल क्या बनेगा सी ओ पी वाई कॉपी, एक कॉपी। टैक्स एक्स अंत में ई एस वाला नियम, टैक्सेज। ऑक्शन अपवाद वाला, ऑक्स। रूफ एफ है, वी एस नहीं बनेगा, रूफ है अपवाद वाला, रूफ्स रूफ्स वाला ना, ये देखो ए रूफ रूफ्स। मंकीज वाई से पहले ई है इसलिए एस लगा है, यदि ए कॉन्सोनेंट होता तो क्या होता आई एस होता, इसको एक उत्तर बनेगा ये एम ओ एन के ई वाई। चौथा वर्ड, वर्ड का वर्ड्स एस जुड़ गया वर्ड्स। पांचवा पोटैटो, तो पोटैटो का पोटैटोज
सीएस लग गया, वॉल्व एफ के बाद एफ हटा दी लगता है वॉल्व डब्ल्यू ओ एल एफ। तो इसी प्रकार अब हमारा ये चौथा पार्ट इसका नाम है नंबर यानी वचन पूरा हुआ। हमने सारे नियम पढ़ लिए, एक्सरसाइज कर ली। अभी काम पूरा कब होगा, जब आप ये सारा काम अपनी कॉपी में करोगे पूरा का पूरा, और इस किताब में पेंसिल से पूरा काम भरना है यहाँ पर, ठीक है। इसी आशा उम्मीद के साथ आज की कक्षा ये समाप्त होती है। धन्यवाद।